हत्याकांड मामले में 4 दिसंबर यानी आज मृतका अंजलि का भारी पुलिस बल की निगरानी में अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त हम मंगोलपुरी जो है वाई ब्लॉक शमशान घाट के पास है। आप ये पीछे देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम में जो अंजलि का पार्थिव शरीर है शमशान घाट के अंदर जो है लाया जा रहा है। ये उसके परिवार हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो परिवार हैं जो गली मोहल्ले के और एम्बुलेंस के अंदर अंजलि का पार्थिव शरीर है और पुलिस मौके वारदात पे जो है डिप्लॉय है और लगातार सभी मीडिया कर्मी की जो है कैमरा लगातार अंजलि के पार्थिव शरीर को जो है फोकस कर रही है। और दिल्ली पुलिस की वो जवान देखिए और ये भीड़ देखिए, ये जो न्याय की बात जो है लगातार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं अब ये गेट बंद हो चुका है, अब पार्थिव शरीर जो है अंदर जा चुकी है और लगातार दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे मुस्तैदी है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो भीड़ है जो अंजलि को जो है न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए मैं इसको बिल्कुल दिल्ली पुलिस का जो फेलियर मारूंगा, इसमें जो है ना दिल्ली पुलिस के किसी भी कर्मचारी पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और मैं चाहूंगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से और कमिश्नर साहब से और मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि इसमें दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, उनको तुरंत सस्पेंड। इसमें दोषी किसको मार रहे हैं आप? इसमें मैं दिल्ली पुलिस को ही दोषी मान रहा हूँ जी, इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने 17,000 पुलिस वाले वहाँ लगा रखे हैं। अब ये देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता दूँ या भीड़ देख सकते हैं, अब उसकी माता जी को शायद अंदर लेके जाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं उनकी, माता जी को अंदर ले जाया जा रहा है और मीडिया की वो हुजूमे, ये महिला ये उनकी माँ उनकी बहन, आप देख सकते हैं उनकी माँ और बहन को, ये उनकी मम्मी हो, ये उनकी माता जी है, उनकी बहन है, ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, ये उनकी माता और मम्मी जी के जो उनके रिश्तेदार हैं शमशान भूमि के बाहर। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी, अगर यही मुस्तैदी अगर उस दिन हुई होती तो साथ ये बड़ी घटना सामने नहीं आती। जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि वो भीड़ है ये जो दिल्ली पुलिस लगातार इस पे पैनी नज़र बनाई हुई है, किसी भी तरीके का जो है शोर और हंगामा ना हो। और दिल्ली पुलिस जो है लगातार यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। आप मेरे पीछे वो हुजूम देख सकते हैं, सभी थाने से SHO हो चाहे पुलिसकर्मी हो, ये लगातार यहाँ पे मुस्तैदी है और शमशान भूमि के अंदर जो है उनको ले जाया गया है। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है अंजलि को न्याय की मांग कर रही है। चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार। जहाँ पर मृतका के परिजनों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी अंतिम संस्कार के समय भारी संख्या में मौजूद थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि मृतका अंजलि के मेडिकल रिपोर्ट में अब तक रेप की पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। जी हाँ, सुल्तानपुर इलाके में एक कार से स्कूटी टकराने के बाद वह लड़की कार के नीचे आ गई थी और लगभग 13 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की